हाय एवरीवन, स्वाद रेसिपीज में आपका बहुत बहुत दिल से स्वागत है। तो आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ चीज सैंडविच की रेसिपी। तो ये सैंडविच बनाने के लिए सबसे पहले हमें सैंडविच की स्टफिंग बनानी है। उसके लिए हमें एक बाउल लेना है और बाउल में डाल देना है 3 चम्मच बारीक कटा हुआ प्याज और 3 चम्मच बारीक कटी हुई शिमला मिर्च, 3 चम्मच बारीक कटा हुआ टमाटर, उसके बाद 2 चम्मच ग्रेट किया हुआ गाजर डालना है, 1 बारीक कटी हुई हरी मिर्च डालेंगे और थोड़ा सा कटा हुआ धनिया डाल देना है और बाद में 1/2 चम्मच ओरिगैनो, 1/2 चम्मच चिली फ्लेक्स, स्वाद के लिए 1/4 टेबल स्पून नमक डालेंगे और उसके बाद इसमें हम डालेंगे 2 चम्मच एगलेस मेयोनीज सॉस और बाद में इसमें हमें डाल देना है 1 चम्मच पिज्ज़ा सॉस। पिज्ज़ा सॉस से हमारी स्टफिंग की टेस्ट है वो बहुत ही बढ़िया लगती है और उसके बाद इसमें हम डालेंगे 1 चम्मच टोमेटो सॉस। अब इन सारी चीज़ों को हमें अच्छे से मिक्स करना है और इस स्टफिंग के अंदर आपको और भी कोई सब्जी ऐड करना है तो आप कर सकते हो और कोई सब्जी आपको नहीं डालनी है तो आप उस सब्जी को स्किप भी कर सकते हो। तो यहाँ पर हमारी सैंडविच वाली स्टफिंग अच्छे से मिक्स हो गई है तो इस स्टफिंग को हम थोड़ी देर के लिए साइड में रख देंगे। बाद में हमें गैस के ऊपर नॉनस्टिक वाला तवा रखना है और तवे के ऊपर 1/2 चम्मच बटर डालना है। बटर को हमें तवे के ऊपर इस तरीके से फैलाना है और उसके बाद इस बटर के ऊपर हमें 4 ब्रेड की स्लाइस इस तरीके से रखनी है ताकि हमारा बटर है वो ब्रेड स्लाइस को अच्छे से लग जाए और उसके बाद हमें फिर से ब्रेड को इस तरीके से पलटना है ताकि दूसरे साइड से भी हमारा बटर है वो ब्रेड को अच्छे से लग जाए। अब हमें इस ब्रेड को लो फ्लेम पर 2 मिनट तक सेक लेना है। 2 मिनट के बाद हमें ब्रेड की साइड चेंज कर लेनी है। 2 मिनट में ही यहाँ पर आप देख सकते हो हमारी ब्रेड नीचे से क्रिस्पी बनकर रेडी हो गई है। तो यहाँ पर हमें थोड़ी देर के लिए गैस को करना है ऑफ। अब हमें हमारे ब्रेड के ऊपर डालनी है हमारी स्टफिंग। यहाँ पर हम सिर्फ 2 ब्रेड के ऊपर हमारी स्टफिंग डालेंगे और इस ब्रेड के ऊपर हमें 2 से 3 चम्मच हमारी स्टफिंग डालकर इस तरीके से ब्रेड के ऊपर फैला देनी है और बाद में यहाँ पर मैंने ले लिया है चीज़ क्यूब। तो ये चीज़ क्यूब हमें ग्रेट करके इस सैंडविच के ऊपर इस तरीके से डालना है और ढेर सारा डाल देना है और यहाँ पर आपको चीज़ क्यूब यूज़ नहीं करना है तो चीज़ क्यूब की जगह पर आप यहाँ पर चीज़ स्लाइस का भी इस्तेमाल कर सकते हो। तो यहाँ पर आप देख सकते हो मैंने दोनों ब्रेड के ऊपर हमारा चीज़ क्यूब है वो अच्छे से ग्रेट करके डाल दिया है। अब हमें यहाँ पर गैस की फ्लेम ऑन करना है और गैस की फ्लेम लो रखनी है और चीज़ वाले ब्रेड के ऊपर हमारी दूसरी वाली ब्रेड हमें रखनी है। जो क्रिस्पी ब्रेड की साइड सेकी हुई है वो हमें अंदर रखनी है और बिना सेकी ब्रेड की साइड वो हमें बाहर रखनी है और उसके बाद थोड़ा सा इस ब्रेड को प्रेस करना है और ब्रेड सैंडविच को हम लो फ्लेम पर 2 मिनट तक सेक लेंगे। 2 मिनट के बाद सैंडविच की साइड हमें चेंज करनी है। 2 मिनट में ही आप देख सकते हो हमारी ब्रेड है वो थोड़ी सी क्रिस्पी बन गई है। अब इस सैंडविच ब्रेड के ऊपर हम और थोड़ा सा ग्रेट करके चीज़ डालेंगे ताकि बच्चों को देखते ही मुंह में पानी आ जाएगा और साथ ही साथ हमारी सैंडविच की टेस्ट है और भी ज़्यादा बढ़ जाएगी। अब इस चीज़ के ऊपर हम थोड़ा सा चिली फ्लेक्स डालेंगे और इस सैंडविच को लो फ्लेम पर 3 मिनट तक ढक देंगे। 3 मिनट के बाद ढक्कन को हटा देंगे और यहाँ पर आप देख सकते हो बहुत ही यम्मी हमारा ब्रेड चीज़ सैंडविच बनकर रेडी हो गया है और आप देख सकते हो नीचे से हमारी ब्रेड है वो बहुत ही क्रिस्पी बनकर रेडी हो गई है। तो यहाँ पर हम गैस बंद कर देंगे और हमारे सैंडविच को निकालेंगे सर्विंग प्लेट में। तो इन सैंडविच को अब हम कट करेंगे। कट करने के लिए यहाँ पर मैंने कटर का इस्तेमाल किया है। कटर की जगह पर आप चाकू का भी इस्तेमाल कर सकते हो। तो लीजिए हमारा सैंडविच अब कट हो गया है और आप देख सकते हो कितना यम्मी हमारा ये चीज़ सैंडविच बनकर तैयार हो गया है। इस सैंडविच को देखते ही किसी के भी मुंह में पानी आ जाएगा, इतना हमारा टेस्टी
सैंडविच बनकर तैयार हो गया है। इस सैंडविच को आप टोमेटो सॉस के साथ सर्व कर सकते हो, बहुत ही टेस्टी लगता है। तो इस सैंडविच रेसिपी को आप एक बार ज़रूर ट्राई कीजिए और आपके सैंडविच कैसे बने थे कमेंट में ज़रूर बताना। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई हो तो रेसिपी को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए। फिर से मिलूंगी अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।